ये साइक्लिक पे होस्ट होगा, ये नॉट जेएस का सर्वर जो मेरे पे लोकल चल रहा है ना एनजी रॉक से, ये होगा साइक्लिक पे और फुलफिलमेंट में उसका यूआरएल होगा, दैट्स इट। वो फिर मेरा लैपटॉप बंद हो खुला हो चलता रहेगा। ये सिर्फ एनजी रॉक सिर्फ डेवलपमेंट में चलता है। अच्छा, तो अब इसको रिएक्ट में हम कर देते हैं ज़रा, रिएक्ट से इंटीग्रेट। अब ये कैसे होगा, रिएक्ट से इंटीग्रेट करने के लिए हमें चाहिए पहले तो एक अदद रिएक्ट की ऐप, सही है ये है ना, यूज इफेक्ट कौन सी है, और यही तो लास्ट है। आ जाते हैं पहले तो इस रिएक्ट की ऐप को ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेब के अंदर कॉन्टैक्ट वाले में, अच्छा अच्छा ये हो गया, सही हो गया। हमें वो कॉन्टैक्ट में बाई द वे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक टर्मिनल यहाँ पे मुझे अभी और खोलना पड़ेगा, सही है, जी एस एच, और इसके ऊपर मैं जाऊँगा सी डी थ्री रिएक्ट और सी डी थ्री, ठीक है, और एन पी एम इंस्टॉल, सबसे पहले तो एन पी एम आई कर देते हैं और एन पी एम स्टार्ट। अच्छा एन पी एम स्टार्ट नहीं है क्योंकि ये रूट पे इसके एक सर्वर है, छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा सर्वर है, ना रूट पे इसके सर्वर है, तो ये सर्वर चलेगा पहले तो ना, अब वो सेम पे चलेगा नहीं। एक काम करते हैं, ये पुराने जो चल रहे हैं ना हमारे एनजी रॉक वॉक, इसको करते हैं बंद, सही, ये सब बंद हो गया। अभी सिर्फ हमारा ये रिएक्ट की ऐप चलाते हैं हम पहले, कि मैंने कहा कि एन पी एम रन डेव, ये मैं रिएक्ट की ऐप चला रहा हूँ अभी राइट नाउ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट की ऐप, और कोई ऐप नहीं चला रहा हूँ। मैं चल देखो तो सही वो है क्या उसके अंदर, उसको देख तो लो कि उसमें है क्या। अरे यार ये 5001 पे कह रहा है पहले से चल रहा है, एक मिनट ज़रा पैकेज डॉट जेसन देख लेते हैं। एन पी एम रन डेव तो ये नॉट वन सही हो गया। अब अच्छा सी डी वेब नहीं किया था मैंने सी डी वेब नहीं किया था इसलिए वो नहीं चला, सी डी वेब पहले करूँगा ना मैं, क्योंकि वेब में जाके वो एन पी एम स्टार्ट चलाऊँगा, वो तो सही चल रहा है बेचारा। अच्छा वो एन पी एम आई पहले चलेगा इसमें, वेब के अंदर भी तो एन पी एम आई चलेगा ना एक दफ़ा, नहीं वो अभी आया है। अच्छा ये क्या इसको हुआ है, अच्छा वो एक्सेस का इसको कोई इशू हो गया, इसको सूडो करके चला लेते हैं। सही, एक्सेस का एरर जब भी आता है ना लिनक्स में या मैक में, तो सूडो करके चलाओ तो सेट हो जाता है। वो कुछ फाइल बनाना चाह रहा था, उसको परमिशन नहीं मिल पाती, इसलिए एक्सेस का एरर देता है। npm start chal gaya bhai kya ho gaya bahut rula rahe ho acha low power laga raha hai low power ko khatam kar dete hain अच्छा भाई तो ये हमारा हो गया। कौन सा पेज था वो, पेज थ्री, पेज टू अच्छा वो छोटे वाले नेविगेशन बार में नहीं है, वो ये बड़े वाले नेविगेशन बार में कॉन्टैक्ट। अच्छा यहाँ पे हमने बनाई थी ये स्क्रीन, हाय
और ये सामने से दिस इज बॉट रिस्पॉन्स था ना, ये हमने बना लिया था चैट। अब इसी के ऊपर हमने इंटीग्रेट करना है डायलॉग फ्लो वाली बात। अच्छा, अब इस पर इंटीग्रेशन ये होगी कैसे? ये इंटीग्रेशन ऐसे होगी कि आपका जो ये सर्वर है ना स्लैश, ये सर्वर आ गया ना, ठीक है, ये हम रिएक्ट के फोल्डर में जा चुके हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक कॉपी बना लेते हैं इसकी, ताकि वो पुराना काम डिस्टर्ब ना हो ना उससे हमारा। तो इसकी एक कॉपी मैं बना लेता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे मैंने, अच्छा पहले तो ये डायलॉग फ्लो के अंदर कोई फोल्डर नहीं बनाऊंगा, डायलॉग फ्लो में भी एक फोल्डर बना के मुझे इस काम को पहले अलग करना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि भाई हाँ वन बेसिक्स सही है, ये बेसिक्स को मैंने सारे को एक इसमें डाल दिया, ठीक है, मूव, ये डायलॉग फ्लो बेसिक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं कर देता हूँ एक नया फोल्डर टू डॉट रिएक्ट इंटीग्रेशन, सही है। तो ये रिएक्ट इंटीग्रेशन में ना मैं इस पूरी ऐप की ये कॉपी बना के लाके डाल देता हूँ पूरा का पूरा, ये इसको सबको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो मैंने फोल्डर्स को ज़रा ऑर्गेनाइज कर लिया है कि मेरे पास ये जो पहले का डायलॉग फ्लो का जो भी काम था ना, वो बेसिक्स करके एक फोल्डर बना के उसमें डाल दिया। अभी रिएक्ट इंटीग्रेशन है। अब रिएक्ट इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मुकम्मल रिएक्ट की ऐप है जो हमने काफ़ी पहले बनाई थी। ठीक है, आके इसको ज़रा दोबारा से रन कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई सी डी फोर डायलॉग फ्लो, सी डी टू टैब रिएक्ट इंटीग्रेशन और एन पी एम रन टैब और स्प्लिट करके अब सी डी वेब और एन पी एम स्टार्ट। ठीक है, तो ये मेरी रिएक्ट की ऐप जो है वो प्रॉपरली चल गई है। रिएक्ट की ऐप मेरी ये बिल्कुल सही चल गई है, कड़क चल गई है। अब हम आ जाते हैं इसके सर्वर में कि इसके सर्वर पे होता क्या है। जब एक रिक्वेस्ट आती है मेरे पास स्लैश मैसेज में, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक क्वेरी करके टेक्स्ट आता है मेरे पास। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के अंदर इस मैसेज को सेव भी करा देता हूँ ऑप्शनली, नहीं भी चाहूँ तो नहीं भी करा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टू डू लगाया हुआ था कि सेंड दिस क्वेरी टू डायलॉग फ्लो एंड गेट चैटबॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे फिर मैं जवाब दे देता हूँ। अब इस जवाब की जगह पे एक्चुअल में वो डायलॉग फ्लो का जवाब होगा, है ना। अच्छा, अब हमें एक्सप्लोर ये करना है कि हम डायलॉग फ्लो को हिट करें तो कैसे करें यहाँ से। अच्छा, तो डायलॉग फ्लो का ना एक डिटेक्ट इंटेंट की एक एपीआई आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायलॉग फ्लो डिटेक्ट इंटेंट एपीआई। अरे भाई, अच्छा वो मैं वो लग गया ना मेरा, ठीक है ये आ गया डिटेक्ट इंटेंट। अच्छा, डिटेक्ट इंटेंट के लिए देखो मैंने क्या कॉल करना है, मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है इस यूआरएल में। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट सेशन डॉट डिटेक्ट इंटेंट। अभी इन्होंने अपने तरीके क्लास करके नेम स्पेस बनाया है, वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि क्या बन जाना उसका। वेल, पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है मुझे इस एंड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा लूँगा, एक्सियोस पोस्ट और एक्सियोस डॉट पोस्ट के अंदर पहले यूआरएल होता है, ठीक है, और कॉमा करके जो है वो बॉडी होती है, सही है। बॉडी के अंदर क्या भेजना है अभी वो देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा,
अच्छा, तो पोस्ट के अंदर जो URL है ना उसमें देखो इसने बोला है कि HTTPS एंड पॉइंट। अभी एंड पॉइंट क्या चीज़ है वो इन्होंने कहीं मेंशन किया होगा यहाँ पे ना, एंड पॉइंट क्या चीज़ है, वेयर एंड पॉइंट इज वन ऑफ द सपोर्टेड सर्विस एंड पॉइंट। अभी सपोर्टेड सर्विस एंड पॉइंट को मैं नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि वो सारे एंड पॉइंट मुझे नजर आ जाए, ठीक है। एक V2 का एंड पॉइंट है, V2 बीटा का है। अच्छा, बीटा फीचर इनेबल करूंगा तो मुझे दूसरा वाला एंड पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन मैंने बीटा फीचर इनेबल नहीं किया है। मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे सारे के सारे एंड पॉइंट्स के हैं जो है कि आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो चक्कर क्या है, एक तो डायलॉग फ्लो का सिंपल वाला है, एक एशिया वाला है, एक ऑस्ट्रेलिया वाला है, एक यूरोप वाला है। अब ये डिपेंडिंग ऑन कि मेरा सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से ये हिट होता है URL, वहाँ वाला मैं करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं भाई सिंपल वाला कर लेता हूँ जो अमेरिका में होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, जब भी नाम नहीं लिखा हुआ, बाकी यूरोप लिखा हुआ, एशिया लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, तो ये अमेरिका वाला है। तो मेरा सर्वर साइक्लिक पे क्योंकि है जहाँ पे होस्ट हुई हुई है मेरे चीज़ें सारी, तो मैं ये वाला हिट करूँगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट की जगह पे मैंने क्या लगा लगा दिया, ये लगा दिया, सही है। https://dialogflow.googleapis.com/v2/session=projects, ठीक है। स्टेरिक एजेंट इक्वल्स टू सेशंस स्टेरिक, ये क्या मंजर है, ये क्या है, इसका क्या करूँगा, सही है। आ जाते हैं वापस यहाँ पे, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या चीज़ क्या है, ये आ गया सेशन। कह रहे हैं कि भाई सेशन जो है ना, रिक्वायर्ड द नेम ऑफ द सेशन इन क्वेरी इज सेंड, फॉर्मेट उसका कुछ इस तरह से होगा कि प्रोजेक्ट्स होगा स्लैश प्रोजेक्ट आईडी होगा, एजेंट होगा स्लैश सेशन आईडी होगा, ठीक है। और एक और भी तरीका हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर आपको इन्वायरमेंट की आईडी पता है तो इन्वायरमेंट की आईडी भेज दो आप। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला ज़्यादा ईजी है, ये हम कॉन्टेक्स्ट के टाइम पर कर चुके हैं। तो सेशन के अंदर ना मुझे ये भेजना है, ठीक है, सेशन के अंदर मुझे ये वाली बात भेजनी है। तो आ जाते हैं ज़रा इसको भेज के देख लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट की बॉडी कह रहे हैं कुछ इस तरह की होगी, अभी रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं, अभी तो URL ज़रा देखते हैं पहले तो। सही है जी, तो मैंने कहा कि भाई सेशंस इक्वल्स टू ये पूरी मैंने बात यहाँ पे पेस्ट कर दी ना, ठीक है, कि प्रोजेक्ट इक्वल टू प्रोजेक्ट, और ये लास्ट में ये चीज़ भी हटा देता हूँ। अच्छा, ये सेशन इक्वल्स टू इसमें रहेगा, ये हट जाएगा, ये मैं भूल गया हूँ, ये मैं भूल गया कि सेशन इक्वल्स टू रहेगा या ये इतना होगा, ट्राई कर लेंगे दोनों में। नहीं नहीं, क्वेरी पैरामीटर थोड़ी है ये पाथ है, नहीं वो सेशन इक्वल्स टू नहीं रहेगा, सेशन इक्वल्स टू नहीं रहेगा, बस ये V2 के पास /project/project ID ऐसे होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी क्या है मेरी, प्रोजेक्ट आईडी जो मेरी है वो यहाँ से उठाऊंगा मैं, सेटिंग में दिखता है मुझे प्रोजेक्ट आईडी क्या है मेरी, ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है ना, ये मैंने प्रोजेक्ट आईडी लगा दी इधर। उसके बाद sessions/session ID, अब ये सेशन आईडी जो है ना ये क्या चीज़ है भला, कि अब यहाँ पर इन्होंने मैंशन नहीं किया भाई, अच्छा यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इफ यूजर आईडी इज नॉट स्पेसिफाइड दिस पर एपीआई कॉल अप्रोप्रिएट सेशन आईडी एंड यूजर आईडी दे कॉन बी रैंडम नंबर और सम टाइप और दिस, ये जो सेशन आईडी है ना ये मैंने अपनी मर्जी की एक यूनिक आईडी दे के भेजनी है कि ये यूज़र कौन है। देखो अभी हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, ये कौन सी जगह है, ये सर्वर, ये मेरा वो सर्वर है जो मेरे मर्न स्टैक की एप्लीकेशन की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सब यहाँ आती है ना। देखो इसमें एक स्लैश मैसेज करके एक है ये बना हुआ, उसके बाद स्लैश प्रोडक्ट है, स्लैश प्रोडक्ट्स है, स्लैश प्रोडक्ट आईडी है ना, ये पूरा करंट ऑपरेशन पूरा हुआ है, डिलीट विलीट सब की रिक्वेस्ट यहाँ आती है, ये वो वाला सर्वर है। अच्छा, तो इस सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट आएगी बंदे की, तो इस पॉइंट पे मुझे ये बात पता है कि ये बंदा कौन है। कैसे पता है, क्योंकि वो लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। अब वो जब बंदा लॉगिन हुआ हुआ होता है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे उसका मिलता है टोकन कुकीज़ के अंदर, है ना, कुकीज़ के अंदर जो JWT का टोकन है वो मिलता है, उससे मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि ये बंदा कौन है।
और उस टोकन के अंदर पेलोड करके भी मैंने जो है ना वो डाला हुआ है, उसका ईमेल डाला हुआ है। तो अब कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो मैं यहाँ पे भेजूँ अप्रोप्रिएट रहेगा? ईमेल, ईमेल भेज सकता हूँ यहाँ पे मैं? ईमेल नहीं भेज सकता मैं यहाँ पे, सही है। ईमेल इसलिए नहीं भेज सकता कि ईमेल में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होते हैं जो यहाँ पे इनवैलिड है। यूज़र आईडी भेज सकता हूँ मैं, जो मोंगो डीबी जो मुझे देता है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक जो देता है, मोंगो डीबी सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है ना। अगर हम आके देखेंगे यहाँ पे कि मोंगो डीबी जो हमें आईडी दे रहा होता है कहाँ से देखेंगे भाई, दादी जब मैंने इसको लोड किया होगा ना तो वो आए होंगे बहुत सारे यहाँ पे, नहीं आए? एक मिनट, मैं ये मेरी वेब एप्लीकेशन है ना, मैं होम पे जब जाऊँगा तो ये आ गया ना, तो ये मेरे पास आ गया डेटा, और ये डेटा के अंदर ये सारे आ गया, वो ये देता है ना मुझे डेटा बेस। तो देखो इसमें अल्फा न्यूमेरिक है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, तो दिस इज सेफ। अब ये एक बात है कि इस सेशन आईडी में कौन सी चीज़ अलाउ है और कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है, वो इन्होंने ना कहीं पे मेंशन किया हुआ डॉक्यूमेंट में, बट वो पता नहीं कहाँ पे है, कहीं पे मेंशन किया हुआ, और एक दफ़ा बहुत रुलाया भी था इसने मुझे कि मैं एक सर्टेन ईमेल से करता था तो काम होता ही नहीं था, और वो मेरे ज़िंदगी का अजाब बन गया था। फिर आखिर में मुझे ये समझ आया कि अच्छा वो कैरेक्टर इलीगल है। अच्छा इलीगल कैरेक्टर भी नहीं बोल रहा ना, वो बोलता है कि भाई जैसे जेसन का भी इनवैलिड हो तो कैसे बोलता है कि भाई इनवैलिड एट जेसन और दिस दिस दिस। अब मैं समझ रहा हूँ पता नहीं लाइब्रेरी का कोई एरर आ गया है, लाइब्रेरी को तो मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया इसी वजह से। अब आपने देखा मैं डायरेक्ट जेसन में कर रहा हूँ, इनपुट जेसन आउटपुट इसकी लाइब्रेरी भी बनी हुई है, मैं वो यूज़ नहीं करता, तंग आ गया उससे। तो वो पता नहीं क्या अजीब सा कह रहा था कि भाई एट ज़ीरो कैरेक्टर भी कुछ एरर दे रहा था, अब मैं देखूँ मुझे समझ ही ना आए। तो वो फिर किसी ने इंटरनेट पे कहीं पे लिखा हुआ था कि यार इसमें ना वैलिड कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा अच्छा इसमें ये भी चक्कर है वैलिड भी होता है। तो वो फिर ईमेल में ना कहीं पे इन्होंने मेंशन किया हुआ डॉक्यूमेंट में बाई दी कि वो कौन कौन सी चीज़ें ना जो यहाँ पे आ जाती हैं सही। अच्छा तो ये मैंने सेशन इसको दे दिया पूरा, तो इस पॉइंट तक सेशन के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, यूज़र 1 2 3 फिलहाल के लिए मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यूज़र जो लॉगिन है ना उसका एक कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन। अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन से ही इस कन्वर्जेशन को यूनिक समझेगा ये। मिसाल के तौर पे एक बंदा इस वक्त बात कर रहा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में लगा हुआ है, साइमल्टेनियसली एक दूसरा यूज़र भी डायलॉग फ्लो की इसी ऐप से बात कर रहा है, मेरी ही ऐप से, मेरी ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो दो बंदे अलग अलग बात कर रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो एक्टिवेट होगा ना वो उसके लिए, इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो इसके लिए है ना, जो ये जिसने बात छेड़ी हुई है। अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट एक्सपायर हो जाता है 5 मिनट में, अगर 5 मिनट तक कोई बात नहीं की छोड़ दिया कॉन्टेक्स्ट एक्सपायर हो जाता है, 5 लाइफ स्पैन और 10 हो जितना भी। तो ये इस सेशन आईडी से इस चीज़ को ये समझता है कि अच्छा यार इस सेशन आईडी के बंदे ने ये बात की थी तो अगली बात अब इससे क्या होगी, अलग अलग यूज़र को अलग अलग ट्रीट करता है इसकी वजह से। अगर मैंने ये यूज़र 1 2 3 दिया ना इसको हार्ड कोडेड, तो जितने भी मिलियन यूज़र बात करेंगे ना वो सबको एक समझेगा। मिसाल के तौर पे इसने बोला हाय है ना, तो जवाब इसको मिल गया हाय का, लेकिन हाय के अगेंस्ट अगर कोई कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हुआ है तो वो इसके लिए भी हो जाएगा अगर मैंने हार्ड कोडेड लिखा। तो इसलिए ये मैं हार्ड कोडेड कभी भी नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी जस्ट टू कीप इट सिंपल मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं बॉडी में कि बॉडी में मुझे क्या दे के भेजना है। बॉडी में 4 चीज़ें देखो ये कह रहा है भेज सकते हैं आप, इनपुट ऑडियो, ऑडियो का इनपुट भेज सकते हैं ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स, क्वेरी इनपुट। तो हमें इस वक्त जो भेजना है वो भेजना है क्वेरी इनपुट, कि हमें वो एक्चुअल हाई जो लिखा है ना बंदे ने वो भेजना है वहाँ तक, और वहाँ से जवाब मंगवाना है। अच्छा तो ये देखते हैं ज़रा कि क्या है इसका, इसने वो ये इंटरफेस बताया है असल में, तो मैं इस इंटरफेस को ना राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलता हूँ। अभी थोड़ा सा समझना है इसको, ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, कि भाई ऐसे एक ऑब्जेक्ट होगा यूं, सही है, जो यहाँ से जा रहा होगा, ये होगा एक ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेरी इनपुट की जगह पे जो चीज़ होगी ना वो क्या होगी, वो इसके पड़ोस में आया हुआ, और क्वेरी इनपुट की जगह पे ना ये बात होगी, सही है, ये क्वेरी इनपुट हो गया ठीक है।
ठीक है। अब ये टेक्स्ट के अगेंस्ट भी उसने देखो बताया हुआ कि भाई टेक्स्ट इनपुट कोई दूसरा इसका तरीका, वापस आऊँगा मैं यहाँ, ये टेक्स्ट इनपुट को मैं राइट क्लिक करके एक नए टैब में खोलूँगा, ठीक है, और टेक्स्ट की जगह पे जो भी रिप्रेजेंटेशन है ना वो ये इस तरह से होगी कुछ, वापस आऊँगा मैं और इस टेक्स्ट को मैं क्या कर दूँगा, ऐसे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट ये दो दफ़ा ही है, ये मिस्टेक से दो दफ़ा नहीं हुआ, ये दो ही दफ़ा है। अच्छा, स्ट्रिंग में मैं जो भेजना है मुझे बात वो मैं लिख दूंगा, क्या बात भेजनी है मुझे, बॉडी डॉट क्वेरी ना, ये बात मुझे भेजनी है ना डायलॉग फ्लो पे, ये भेज दिया मैंने। लैंग्वेज कोड स्ट्रिंग में चाहिए उसको, मैंने कहा भाई ई एन डैश यू एस, अंग्रेजी है, यू एस लैंग्वेज की अंग्रेजी है, ठीक है। कह रहा है कि टेक्स्ट भेज दो, टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, यू टी एफ 8 कैरेक्टर होना चाहिए, UTF-8 के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते, तो वो स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं भेज सकते, वो भेजेंगे एरर मार देगा ये, ठीक है। तो UTF-8 की कुछ लाइब्रेरीज़ भी आती हैं जिसके आप ज़रा क्या करते हैं, जब भी कोई इनपुट आता है ना उससे आप वेरीफाई करते हैं कि ये UTF-8 है या नहीं है, अगर UTF-8 नहीं है तो UTF-8 वाले कैरेक्टर डिलीट मार दो, ये सारे लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं इसकी ना, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये मेंशन किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे कि भाई UTF-8 चलेगा हमारे पास, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बाय द वे UTF-16 तक को सपोर्ट करता है, तो जावास्क्रिप्ट में आप लिखेंगे ना जब तो स्ट्रिंग लिखा जाएगा और नज़र भी आ जाएगा, लेकिन वो उधर भेजेंगे तो एरर मार देगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, लैंग्वेज कोड कौन कौन से इसमें लिख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई भी है उन्होंने, ये टैग लगे हुए हैं लैंग्वेज के, तो हमें चाहिए इसमें इंग्लिश का चैटबॉट है हमारा, सही है, तो ये सिर्फ ई एन भी लिख दूंगा मैं तो चलेगा, मैंने ई एन यू एस लिखा है, ये वाला लिखा है मैंने, ठीक है जी। स्ट्रिंग में ये बात इसको देनी थी ई एन यू एस, तो मैंने इसको ये दे दिया। अच्छा, अब ये बाकी के जो आइटम है क्वेरी पैरामीटर्स, ये भी मैं भेज सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल अभी इनको मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। ऑडियो नहीं भेज रहा तो ऑडियो की कॉन्फ़िग भेजने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। टेक्स्ट भेजा है सिर्फ मैंने, इवेंट भी नहीं भेज रहा मैं, ठीक है, इवेंट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये वाले सारे कॉन्फ़िगरेशन भी मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ अभी मैं क्या भेज रहा हूँ, सिर्फ टेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पोस्ट की बॉडी, और ये है उसका पोस्ट की बॉडी का जो भी ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूँ कुछ इस तरह का। अब ये हो गया यहाँ तक का काम, अगला काम क्या करना है, मैं अगला काम जो वो इससे भी मुश्किल है, एक्सियोस इसमें इंस्टॉल तो नहीं है ना, वेट ना, अच्छा तो मैंने कहा भाई अवेट मारो, उसको भेजो यहाँ पे, और जो भी इसका रिस्पांस आएगा ना उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करवाता हूँ मैं रिस्पांस में। अच्छा, एक हम वेबहुक के ऊपर रिक्वेस्ट और रिस्पांस कर रहे थे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, यहाँ जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये जहन में रखना, ये दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वेबहुक पे हम पहुँचे नहीं हैं, रिएक्ट की इंटीग्रेशन जो हमने शुरू की है अभी वो हम रिएक्ट की ऐप पे खड़े हैं इस वक्त, अभी हम वेबहुक तक पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसमें हाय का जवाब लाना है, ऐसा जवाब लाना है जिसका वेबहुक से ताल्लुक नहीं है। अभी हाय का मैं वेबहुक बंद करके इस पर इंटीग्रेट करूँगा, वेबहुक बंद करके पहले जस्ट हाय का जवाब देने लग जाए ना ये इस चैट पे, फिर उसके बाद हम वेबहुक वाले को इनेबल करेंगे, और वेबहुक फिर वेबहुक भी इसी सर्वर पे होगा मेरा। अब वेबहुक के लिए मैं अलग सर्वर थोड़ी बनाऊंगा, इसी सर्वर पे एक एंड पॉइंट होगा, तो यहीं से रिक्वेस्ट निकलेगी, घूम के इधर ही आएगी वापस, फिर यहीं से वापस जाएगी, फिर घूम के इधर ही आएगी, तो इस तरह का कुछ मामला चल रहा होगा। अच्छा, तो इस रिस्पॉन्स को मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, फिर इसी रिस्पांस में से कोई ना कोई की मैं यहाँ से भिजवा रहा हूँ, तो अभी आते हैं ज़रा इतना चला के देखते हैं। अच्छा, इसको जब मैं चलाऊँगा ना इतने को, तो ये मुझे दे देगा एरर, सही है, ये रिक्वेस्ट जो इसको मैं भेज रहा हूँ इस वाले को, ये बोलेगा कि भाई एरर, तो मैंने कहा हाय और एंटर, इसने 500 का इंटरनल एरर दे दिया, और यहाँ पर आप आके देखेंगे ना, अच्छा ये तो एक्सियोस नॉट डिफाइंड दे दिया, npm i exios, अरे भाई क्या कौन सी परमिशन इसको चाहिए,
अच्छा दोबारा भेजते हैं भाई, आएगा मैसेज गया, ठीक है एरर दोबारा से आ गया, इम्पोर्ट भी नहीं किया। अब वैसे मैं एरर अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो एरर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आ रहा था, अब आया वो एरर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो एरर अब आया, ठीक है। अरे वो नहीं, असल में मैंने कंसोल गलत करवा दी है, मुझे वो रिस्पांस डॉट डेटा करवाना था ना, जिससे बॉडी आती है, वो तो पूरा ये एक्सियोस का रिस्पॉन्स उठा के लेके आ गया, ठीक है डेटा लाओ ना ताकि वो सिर्फ बॉडी लेकर आए। ठीक है स्टेटस आ गया 401 और कुछ हेडर्स आ गए यहाँ पे, और कुछ उसके बाद ये डेटा के अंदर इसने देखो ये एरर लिख के भेजा है मुझे, ठीक है क्वेरी इनपुट टेक्स्ट 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 दिस दिस दिस। तो 403 का क्या, 401 का क्या मतलब होता है, अनऑथेंटिकेटेड। तो अब पॉइंट कहने का ये है कि ये जो डेटा इस पर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो पब्लिक डेटा है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट की आईडी और सेशन आईडी तो है ही मेरी मर्जी की, तो ये प्रोजेक्ट की जो आईडी है ये तो पब्लिक डेटा है। तो ये कह रहा है कि भाई आप, ये प्रोजेक्ट किसी का भी हो सकता है ना यार, तो मेरा है इसको कैसे पता, इसको नहीं पता है, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, आ जाओ अगला स्टेप, ठीक है ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा ही हो रहा है, हो तो ज़्यादा रहा है लेकिन बस अभी खैर हो गई। कहाँ से आता था यार वो, हाँ यहाँ पे से सर्विस अकाउंट एक जनरेट होता है, वो कहाँ चला गया, सर्विस अकाउंट जनरेट करने वाला मैं भूल गया कहाँ से होता था। हाँ यस यस एग्जैक्टली, चलो आ जाओ यहाँ पे अभी, जो इस आईडी पे क्लिक करके ना, असल में ये डायलॉग फ्लो की जो ऐप बनाते हैं ये गूगल का प्रोजेक्ट होता है, तो गूगल के प्रोजेक्ट से भी कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन नो प्रॉब्लम। अच्छा हम अब कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एपीआई सर्विस, नहीं नहीं हाँ सही कहा तुमने यार, सही कहा तुमने, क्रेडेंशियल के अंदर जाके, और मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू क्रेडेंशियल और वो होगा ओ ऑथ क्लाइंट आई डी, हाँ सर्विस अकाउंट होगा, सही करेक्ट। अच्छा सर्विस अकाउंट का जो है ना मैं नाम रखूँगा एक अदद। अच्छा भाई दे वो सर्विस अकाउंट एक पहले से भी बना देता है ना, तो सर्विस अकाउंट्स में ज़रा मैं जाके देखता हूँ कि पहले से कोई सर्विस अकाउंट तो नहीं बना हुआ कहीं जिसको ये परमिशन मिली भी हो, नहीं मिला हुआ, पहले से कोई सर्विस अकाउंट नहीं है। तो सर्विस अकाउंट का नाम मैं रखूँगा कि डायलॉग फ्लो ए पी आई क्लाइंट, एडमिन नहीं है ये, एपीआई कॉल करेगा सिर्फ, इसको मैं वो एक्सेस दूंगा कि सिर्फ ये डायलॉग फ्लो की एपीआई को कॉल कर सके बस, और जो जवाब मिलता है वो जवाब एक्सेप्ट कर ले, यानी जवाब रिसीव कर ले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखने की खास ज़रूरत नहीं है मुझे, और कंटिन्यू सेलेक्ट अ रोल। अब सेलेक्ट अ रोल के अंदर ना मैं क्या करूँगा, ढूँढूँगा जाके डायलॉग फ्लो है, ये सारी गूगल की सर्विसेज हैं, सी से देखो कितनी सारी हैं, क्लाउड क्लाउड क्लाउड, इसमें डायलॉग फ्लो जहाँ पे होगा ना, ये रहा डायलॉग, नहीं डेटा फ्लो है ये, तो ये आ गया डायलॉग फ्लो। अब देखो डायलॉग फ्लो के अंदर ना रोल कौन सा मुझे देना है, मुझे डायलॉग फ्लो एपीआई क्लाइंट का इसको रोल देना है, सही है। और देख लेता हूँ कोई नया रोल तो नहीं आ गया इसको, इंटेंट एडमिन डायलॉग फ्लो वेब हुक एडमिन। वेल तो इसमें एपीआई क्लाइंट जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए, तो मैं वही दे रहा हूँ इसको, और कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, कंटिन्यू कर दिया मैंने। एपीआई क्लाइंट के पास क्या होता है, ये एक्सेस होता है कि एपीआई को कॉल कर सके, ये एक्सेस होता है जस्ट। बस मैंने डन कर दिया, ये मेरा सर्विस अकाउंट बन के तैयार हो गया।
ठीक है, अब मैं जाऊंगा जब सर्विस अकाउंट के लिस्ट के अंदर, इधर ही आ रहा था नहीं, पहले मैं कौन से वाले पे गया था, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाऊंगा ना, ये सर्विस अकाउंट मैंने पहले जो खोला था, अब यहाँ पे जो एक एक आ गया, पहले ज़ीरो आ रहा था ना, अब एक आ गया। वेल तो अब इस सर्विस अकाउंट के मैं अंदर जाके यहाँ से एक जेसन क्रिएट करूँगा ना मैं, सही है, डिटेल्स परमिशन कीज़। अच्छा ये परमिशन में अभी क्या घुमा ही रहा है कुछ, अच्छा कीज़ में गया मैं, और कीज़ में जाके ऐड अ की, क्रिएट न्यू की, जेसन क्रिएट, है ना, हो गया ये। तो एक जेसन मेरे पास बन के आ गया, जेसन बन के तैयार हो गया। अब इस जेसन का क्या करना है हमने, इस जेसन को मैंने शो इन फाइंडर किया, और इसको मैंने असल में ना यहाँ रूट पे लाके रखना है, मेरे सर्वर के रूट पे मैं रखता हूँ इसको आमतौर पे, आप चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन वो मुझे यही सबसे सही जगह लगती है, ठीक है। और इसका नाम मैं रीनेम करके कर देता हूँ, सर्विस अंडरस्कोर ACOUNT, सर्विस अकाउंट, ठीक है। अब ये सर्विस अकाउंट मेरे पास आ तो गया है यहाँ पे, अब लेकिन मैं इस रिक्वेस्ट करते करते इसको मैं ये बात कैसे बताऊँ कि मेरे पास ये सर्विस अकाउंट जो है ना वो आ गया, ये मैं इसको बात कैसे बताऊँ, सही है। अब इसके लिए क्या करना है, आ जाओ आगे मार्केट में, जहाँ पे इसने ये बताया है ना कि भाई ये रिक्वेस्ट ये आपने करनी है, डिटेक्ट इंटेंट की रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे साथ साथ इसने ये भी बता दिया है कि आपको ना इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको ये ऑथराइजेशन स्कोप चाहिए होगा, ये दो अदद, ठीक है, ऑथराइजेशन स्कोप आपको ये वाला चाहिए होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको ऑथराइजेशन करके ना इसका एक वो पकड़ना है, क्या कहते हैं, इसका एक हमें पकड़ना है वो, हाउ यू से डेट यार, टोकन, क्योंकि सर्विस अकाउंट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, सर्विस अकाउंट कन्वर्ट होता है टोकन में, इस सर्विस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए मैं एक टोकन पकड़ूंगा, उस टोकन के जरिए मैं आगे बात करूंगा। तो ये ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू में आ जाते हैं अब हम, कि यार ये टोकन बनेगा कैसे, सही है। अच्छा एक तो ये है तरीका, एक तरीका और भी है कि हम इनकी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, सही है। अच्छा काम दोनों में सेम ही हो रहा होता है एक्चुअली, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है कि ये वाला जो प्रोसेस है ना ये हम नहीं कर रहे होते, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये एनवायरनमेंट वेरिएबल से ही उठा लेता है खुद ही, हमें जस्ट यहाँ पे एक अदद एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना होता है और वो उस चीज़ को खुद ही उठा लेता है, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कैसे कराते हैं लिनक्स में, मैक में और विंडोज़ में, कोई बता पाएगा? एक डॉट ई एन वी की लाइब्रेरी भी आती है और बग़ैर डॉट ई एन वी की लाइब्रेरी के भी हम ये काम करवा सकते हैं। तो अब मतलब पता ही क्या चला हमें कि हमें इस तरह से ये यू आर एल से हिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा इस केस में, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। हेलो वाइक सलाम यार, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। अच्छा तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये ऑथराइजेशन वाला फ़्लो आप फॉलो करें। ऑथराइजेशन के दो एंड पॉइंट होते हैं, एक टोकन एंड पॉइंट होता है और एक उसका जो रिफ्रेश टोकन एंड पॉइंट होता है, वो दोनों आप कॉल करेंगे तो आपको टोकन मिल जाता है, तो वो टोकन आप इसके साथ भेजेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बताओ कौन सा कर लें, टोकन वाला कर लें या लाइब्रेरी वाला कर लें, क्योंकि यहाँ तक तो सेम था, अभी यहाँ से आगे अब थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों। टोकन वाला कर लिया जाए, हाँ भाई, अच्छा आ जाओ टोकन वाले पे। अच्छा टोकन के लिए ना पहले फिर ओऑथ का फ्लो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओऑथ का फ्लो समझ में आता है? अच्छा ओऑथ का फ्लो समझा देता हूँ मैं, क्या है, जाएंगे हम ओ
ऑर्थ प्लेग्राउंड, ये गूगल का ओऑथ 2.0 का प्लेग्राउंड आ गया, ठीक हो गया। अच्छा इसके अंदर अब मैंने ये लगा दिया कि यार ऑथराइजेशन एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ऑथराइजेशन एंड पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ से अब आके देखते हैं एक एक करके कि ऑथराइजेशन का एंड पॉइंट क्या होगा। ऑथराइजेशन ओवरव्यू में जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि उस सर्विस अकाउंट को टोकन में कन्वर्ट करना है तो करना कैसे है? सही है। टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, अब टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन में एक तो है ओऑथ 2.0 जिसमें वो खुलता है, वो डब्बा खुलता है, अच्छा है तो सारे ही ओऑथ 2.0 का पार्ट है। अच्छा एक है ऑथराइजेशन फॉर गूगल क्लाउड सर्विस, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि आप क्या करोगे कि गूगल क्लाउड सर्विस यूजेस आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट IAM फॉर ऑथेंटिकेशन, IAM ऑफर ग्रैन्युलर कंट्रोल बाय प्रिंसिपल रिसोर्स और दिस और क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। तो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ना इस URL पे करके वो करना होगा। ओके अच्छा ये वाला फ्लो ना मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व रहेगा। अच्छा टर्मिनोलॉजीज अब इसमें क्या क्या यूज़ हो रही हैं। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है कि भाई प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडेंटिटी, ये होता है। ऑथराइजेशन क्या होता है, एक फ्लो का नाम है, ये प्रोसेस का नाम है। क्रेडेंशियल क्या होता है, वो सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट में हमें तीन चीज़ें, दो चीज़ें चाहिए, एक API की और एक ओऑथ क्लाइंट ID और एक और प्राइवेट की, तीन चीज़ें इसमें हमें चाहिए होती हैं जो ज़रूरी है। सही है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल यूज़र अकाउंट है या सर्विस अकाउंट है, ठीक है, हमारे केस में सर्विस अकाउंट है प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके नतीजे में टोकन हमें मिलता है। तो हम आ जाते हैं, ये है ना हमारा गूगल का ये URL, तो इस URL पे हमें शायद अब रिक्वेस्ट करके ये सारा काम करवाना है। कस्टम मैं भूल गया कैसे होगा, डेटा फ्लो आ रहा है इसमें, डायलॉग फ्लो का वो आ भी नहीं रहा ऑप्शन। यार लाइब्रेरी वाला कर लेते हैं फिलहाल के लिए। असल में टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं तो क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। डायलॉग फ्लो NPM, सही है, डायलॉग फ्लो करके एक लाइब्रेरी है और सही है ये डिटेक्ट इंटेंट की इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे बना के रखी भी है पहले से ही, तो ये इस तरह से डिटेक्ट इंटेंट ये कर रहा होता है। अच्छा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से हम। इंस्टॉल करने के लिए मैंने कहा कि भाई NPM आई, NPM आई डायलॉग फ्लो, अरे भाई इसको हर दफ़ा चाहिए जी। सही है, डायलॉग फ्लो को इंस्टॉल करके मैंने सर्वर को दोबारा से रन कर दिया। अच्छा ये रिक्वायर कैसे होगा, ये रिक्वायर होगा डायलॉग फ्लो सीधा सीधा बिल्कुल जैसे होता है। सही है, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस वाले में। नो क्विक फिक्सेस क्यों आ रहा है,
इम्पोर्ट डायलॉग फ्लो फ्रॉम डायलॉग फ्लो, ठीक हो गया जी। क्या है इसमें प्रॉब्लम? अच्छा, वो कह रहा है यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से वो एरर दे रहा है कि डायलॉग फ्लो यहाँ पे लगा तो दिया लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब यही सेम काम जो मैं एग्जॉस्ट से कर रहा था ना, इसको मैं रोक देता हूँ एग्जॉस्ट वाले को, और मैं ये काम अब किससे करूँगा, डायलॉग फ्लो डॉट, यार ये शो क्यों नहीं कर रहा सजेशन में, सेशन आईडी इसने एक जनरेट की है, यू यू आई डी करके एक लाइब्रेरी जो रैंडम नंबर जनरेट करती है उससे जनरेट की है सेशन आईडी इसने। अच्छा हाँ, अब इसने बोला है कि न्यू सेशन क्लाइंट, न्यू सेशन क्लाइंट इसने जनरेट किया है, ठीक है, और उसके बाद सेशन पाथ जनरेट किया है इसने, दो चीज़ें जनरेट की हैं यहाँ पर। हम भी ये चीज़ें जनरेट कर लेते हैं जल्दी से आगे। इसने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया, इसने बल्कि ये दो चीज़ें जनरेट की हैं, एक सेशन क्लाइंट और एक सेशन पाथ, ठीक है। सेशन आईडी करके इसको यहाँ पे और प्रोजेक्ट आईडी करके इसने दोनों चीज़ पास की है। अच्छा, ये हम जो पूरा बनाते थे ना हाथ से, वो ज़ाहिर है इंटरनली इसने भी बनाना है वो, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इसको पास कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी किया प्रोजेक्ट आईडी अपना, और प्रोजेक्ट आईडी को मैंने इसको पास कर दिया इसे, ठीक है। इसी तरीके से जो सेशन आईडी थी मेरी वो मैंने कॉपी की और मैंने फ़िलहाल पास कर दी, लेकिन ये सेशन आईडी हमारा डायनेमिक होगा। अच्छा, तो डायलॉग फ्लो डॉट न्यू सेशन क्लाइंट ऐसे किया इसने। अच्छा, मैं अगर चाहूँ ना तो ऊपर सेशन क्लाइंट को डायरेक्ट भी इम्पोर्ट करा सकता हूँ मैं, ठीक है। सेशन क्लाइंट को ऐसे भी मैं इम्पोर्ट करा सकता हूँ, तो फिर मैं डायरेक्ट सेशन क्लाइंट लिखूँगा नीचे, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट मैं सेशन क्लाइंट लिखूँगा, मैं कहूँगा न्यू सेशन क्लाइंट, और ये जो मेरा ठीक है सेशन का एस कैपिटल है, सही है, एस कैपिटल था यहाँ पे, एस कैपिटल लगा दिया। तो मैं सेशन क्लाइंट को डायरेक्ट मैंने वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया वहाँ से। अब सेशन पाथ बन चुका है। अब इस सेशन पाथ के ऊपर इसने क्या करवाया है, एक रिक्वेस्ट तैयार की है ये वाली, और सेशन पाथ इसके अंदर पास किया है इसने साथ साथ। तो ये पूरी चीज़ हम इस पर उठा लेते हैं, पूरी चीज़ हम उठा के ना यहाँ तक की चीज़ पूरी उठा के मैं ले आता हूँ, जो इसके बाद इसने सेकंड काम किया है। ये एक रिक्वेस्ट तैयार की इसने, रिक्वेस्ट के अंदर आप देखें वो सिमिलर ही है कि क्वेरी इनपुट है, उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट है, और लैंग्वेज का कोड है ENUS, ठीक है। तो वो सेम क्वेरी इनपुट के अंदर सेम है। सेशन के अंदर ना सेशन पाथ इसने ये पूरा बनाया है। ये सेशन पाथ क्या चीज़ है, यही पूरा जो लंबा वाला मंजन है ना, ये जो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश बैच टू स्लैश ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो सेशन पाथ इसको साथ साथ पास किया, ये रिक्वेस्ट की बॉडी तैयार हो गई पूरी। अब इस रिक्वेस्ट को क्या पास किया है इसने, बोला है कि भाई सेशन क्लाइंट डॉट डिटेक्ट इंटेंट, और ये रिक्वेस्ट पूरा डाल के रिस्पॉन्स मंगवाया है। अच्छा, अभी भी ये रिस्पॉन्स क्या देगा, ये एरर देगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी अभी हमने इसको क्रेडेंशियल कहीं पे भी पास नहीं किया। लेकिन क्रेडेंशियल पास नहीं किया हमने, तो हम ये कहाँ से देखेगा उसको, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से उसको उठा रहा होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी हम सेट करते हैं, पहले इतने को वेरीफाई कर लें कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सॉरी, इम्पोर्ट स्टैटिक एज डायलॉग फ्लो फ्रॉम दिस, ये इम्पोर्ट में कोई मस्ती कर रहा था ये, तो मैंने इम्पोर्ट ज़रा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है इस बार। अच्छा, वो डायलॉग फ्लो करके करना पड़ेगा ना, वैसे तो डायरेक्ट उसको हो जाना चाहिए इंपोर्ट, लेकिन नहीं हो रहा है तो मैंने कहा चलो उसको सीधा कर दें ज़रा। नहीं, डायलॉग फ्लो डॉट सेशन क्लाइंट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये कौन सा एरर है?
इसको ना एरर, हाँ अभी इसने सही एरर दिया, गूगल ऑक डॉट गेट क्लाइंट जो है ना ये एरर आ गया, ठीक है अब सही एरर दिया इसने, कुड नॉट लोड द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। अब ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल का जो मंजर है ना, ये इसने बताया कि भाई इस जगह पे जाओ, इस जगह पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल जो है वो कैसे होता है ना। अब डिफॉल्ट क्रेडेंशियल के लिए इसने एक सर्टन वे में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना बताया कि भाई ऐसे सर्टन वे में ना एक एनवायरनमेंट वेरिएबल आप सेट करो। कहाँ बताया इसने? नहीं नॉर्थ जेएस में भी तो सेम ही होगा ना, गूगल क्लाउड स्टोरेज तो कुछ और ही बात कर रहा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने वाला ये तरीका नहीं बता रहा। सेटअप योर एडीसी एनवायरनमेंट, इंस्टॉल क्लाउड एडीसी एनवायरनमेंट, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल इस नाम से जो है ना वो बनाना पड़ेगा। अच्छा ये देख लेते हैं कैसे, ये ऐसे कि एक्सपोर्ट गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल और इक्वल्स टू उसके आगे ना उसका पाथ, फाइल का पूरा पाथ ये मुझे देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, मेरे टर्मिनल पे मैंने इसको क्लोज किया, क्लियर किया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा एक्सपोर्ट गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा पास डॉट स्लैश और मेरे सर्विस अकाउंट का नाम सर्विस अकाउंट डॉट जेसन, ये सेट हो गया। इधर मैंने रन टाइम पे चलते हुए टर्मिनल के ऊपर इसको मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है जिसका की था ये और वैल्यू था ये। अब इसको देखते हैं चला के, अब इसको चल जाना चाहिए बिल्कुल सही परफेक्टली, ठीक है। फिर प्रॉपर उसका पक्का हल किया है वो भी हम देख लेते हैं अगर कि पक्का हल उसका क्या है। पक्का हल ये है कि जहाँ पे भी आप सर्वर होस्ट करेंगे ना अपना, वहाँ पे आपने ये सेम चीज़ वहाँ पे भी करनी है। एनवायरनमेंट वेरिएबल से ये उठाता है आपके जो है ना क्रेडेंशियल्स को। अब इसको एरर नहीं देना चाहिए, आप जब हाई बोलूँ ना तो इसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आना चाहिए। अभी आप क्यों एरर दे दिया, रेफरेंस रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ देखो अभी आगे बढ़ गया कोड, एरर चेंज हो गया, ये रिक्वेस्ट थी मेरी, ये रिस्पॉन्सेज है। अच्छा रिस्पॉन्सेज है, रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्सेज, ठीक है। पहले तो मैं एक्सियोस से कर रहा था तो उसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा होता था, अब ये रिस्पॉन्सेज इस वजह से क्योंकि एक से ज़्यादा भी रिस्पॉन्स हो सकता है एक मैसेज के अंदर। अब मैंने दोबारा इसको हाई लिखा, ठीक है, दोबारा जब मैंने इसको हाई लिखा ना तो अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सेस का ना एक एरे आया है। इस रिस्पॉन्सेस के एरे के अंदर देखो क्या है, रिस्पॉन्स आईडी है, क्वेरी रिजल्ट है, ठीक है, क्वेरी रिजल्ट डॉट फुलफिलमेंट मैसेजेस करके कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इस फुलफिलमेंट मैसेजेस में वो जवाब है चैटबॉट का जो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि यार सॉरी फुलफिलमेंट मैसेजेस में नहीं, क्वेरी रिजल्ट में, क्वेरी रिजल्ट क्या है, ये क्वेरी रिजल्ट के अंदर फुलफिलमेंट मैसेज, अच्छा डॉट फुलफिलमेंट, चलो क्वेरी रिजल्ट तक को पहले करवाते हैं ज़रा। इसने ये अलग तो किया हुआ था रिजल्ट के वेरिएबल में, समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि मेरा वेबहुक डिस्कनेक्टेड है फिलहाल के लिए, सही है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ क्या मिला है मुझे, इस रिस्पॉन्सेज के अंदर मुझे ये जो मिली है चीज़ वो यहाँ से शुरू है। फुलफिलमेंट मैसेजेस में कुछ मैसेज लिखा हुआ है, उसके अलावा क्वेरी टेक्स्ट हेलो लिख के भेजा गया था तो वो हेलो इसको पता चल रहा है, लेकिन हेलो तो नहीं लिख के भेजा मैंने, तो हाई लिख के भेजा कैसे, अच्छा हाँ यहाँ हेलो है ना, बॉडी डॉट क्वेरी, सही है। तो यहाँ आप प्रॉपर करोगे, तो हेलो लिख के भेजा था और जवाब में जो आया वो ही आया है फुलफिलमेंट टेक्स्ट, ये मेरा जवाब है ना फुलफिलमेंट टेक्स्ट। तो ये कैसे है,
ये responses dot fulfillment text है, तो result dot fulfillment text. अब मुझे result dot fulfillment text को यहाँ से भेजना है वापस ऐसे करके. अब देखते हैं, अब जब इसको मैं हाई बोलूँगा ना तो समथिंग वेंट रॉन्ग, स्क्रीन पे आ जाना चाहिए लिखा हुआ. सही है, स्क्रीन पे आ गया. तो अब मेरा ये डायलॉग फ्लो से तो एटलीस्ट कनेक्ट हो गया. ये डायलॉग फ्लो से, ये जो मेरा ऐप थी ये डायलॉग फ्लो से एटलीस्ट कनेक्ट हो गई है. टेक्स्ट मैसेजेस जो थे वो आना शुरू हो गया. ठीक है, ये गूगल का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है. अब ये प्रॉपर इसका तरीका क्या है सेट करने का, दो तीन तरीके हो सकते हैं इसके. एक तो डॉट ई एन वी आप कर लें अपने पास, और डॉट ई एन वी में आप पूरा वो बात लिख दें. ठीक है, डॉट ई एन वी ज़रा आ जाते हैं. डॉट ई एन वी को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए. क्या हो गया? नहीं नहीं, डॉट ई एन वी का क्या लंबा प्रोसेस है, बस इंस्टॉल होता है ऐसे सीधा सीधा. ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास एक अदर डॉट ई एन वी की फाइल होती है. डॉट ई एन वी की फाइल बनती है, और डॉट ई एन वी की फाइल में ना इस तरह से ये पूरा की और वैल्यू होती है जो मैंने वहाँ नीचे लिखा था ना, सेम उस तरीके से ये यहाँ पे हो जाता है. अच्छा, वो जो मैंने एक्सपोर्ट करके एक चलाया था ना, उसका चक्कर ये है कि जब मैं डायलॉग, जब तक ये टर्मिनल चल रहा है ना, अभी तो देखो ये टर्मिनल चल रहा था तो ये मुझे मिलता रहेगा. जैसे ही मैं टर्मिनल को बंद करूँगा ना, वो मिलना बंद हो जाएगा. अभी मैं हाई लिखूँगा ना, तो अभी तक तो देखो मिल रहा है, लेकिन मैं इस टर्मिनल को राइट क्लिक करके कर देता हूँ किल, तो अब मुझे वो मिलना हो जाएगा बंद, है ना, क्योंकि वो टर्मिनल पे जब ही तक मिलता है जब तक टर्मिनल चल रहा होता है. अब मैं इसको करूँगा ना, अगर npm run dev, ये मैं चला रहा हूँ मेरे मर्न स्टैक का जो सर्वर है ना, ये मेरे रिएक्ट का जो सर्वर है वो सर्वर चलाया है मैंने. ठीक है, तो अब ये मुझे जो है ना ये हाई पे नहीं देगा, ये देखा एरर देना शुरू किया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो मैंने क्लिक के किया था वो वक्ती तौर पे होता है जब तक मैं इस टर्मिनल को बंद नहीं कर देता, जब तक होता है. तो अब मैंने सेम काम यहाँ से करना है. ठीक है, क्या था वो, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल कहाँ चला गया वो यार, हाँ ये एक्सपोर्ट गूगल. अच्छा, एक्सपोर्ट नहीं लिखूंगा अब मैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये डॉट ई एन वी में एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती. और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट स्लैश, और जो भी मेरे इसका नाम था ना क्रेडेंशियल का, सही है, यहाँ लिख दिया मैंने. अब इसको देखते हैं चला के कि क्या रिपोर्ट है इसकी. अच्छा, डॉट ई एन वी को चलाने के लिए कुछ और तो नहीं करना पड़ता. हाँ, ये रिक्वायर करना पड़ता है ना, कॉन्फ़िग चलाना पड़ता है. ठीक है, डॉट ई एन वी पे ना, ये जब तक ऐसे आप कॉन्फ़िग नहीं ना चलाते तो डॉट ई एन वी एक्टिवेट नहीं होता, वरना क्या पता उसको कि डॉट ई एन वी क्या चीज़ है. तो मैंने इम्पोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी किया, उसके बाद डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िग चलाया. डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िग से क्या करता है वो, कि तमाम का तमाम जो इस फाइल के अंदर लिखी हुई है ना बातें, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में भेज देता है उठा के. ठीक है, और ये डॉट स्लैश का मतलब है कि इस फोल्डर में, इस फोल्डर में का मतलब है कि इधर ही होगा ना सर्विस अकाउंट जब ही काम करेगा ये, और ये सर्विस अकाउंट साथ भेजना है फिर आपने. ठीक है, अच्छा, सर्विस अकाउंट को जो है वो आमतौर पर गिटहब की रिपॉजिटरीज वगैरह में पुश करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती है. इसके लिए जो ऑफिशियल इसका तरीका है ना, वो बोलते हैं कि भाई हमारे आप उधर पुश करो स्टोरेज में और वहाँ का लिंक लगाओ, तो वो बेस्ट अप्रोच तो वो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट वे है, ईजीएस्ट वे है, इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने ये बताया. लेकिन ऑफिशियल तरीका जो आपने वही फॉलो करना है अगर आप प्रोडक्शन में इसको चलाएंगे तो. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको जब रन करूँगा ना दोबारा, तो ये क्या होगा, इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल ये सेट कर चुका होगा. अब ये दोबारा सेट मिलना शुरू हो जाएगा. अब मैं इसको हाई बोलूँगा तो ये सही चलेगा. समथिंग वेंट रॉन्ग अब देगा ये, हाँ सही है, दे दिया, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही चल गया. अब ये समथिंग वेंट रॉन्ग जो आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि मेरा जो ये सर्वर है ना, ये वाला सर्वर, ये हिट करता है किसको भला, ये हिट करता है डायलॉग फ्लो के जाके. और डायलॉग फ्लो जो हाई मिलता है ना, तो डायलॉग फ्लो अपने पीछे वेबहुक कॉल करता है, और वेबहुक वो है नहीं अभी फ़िलहाल. तो अब मुझे क्या करना होगा, ये वो जो वेबहुक है ना डायलॉग फ्लो का, वो पूरा कट करूँगा मैं बेसिक्स में जाके ना, ये वेबहुक पूरा कट करूँगा मैं यहाँ से. पूरा वेबहुक मैंने उठा लिया यहाँ से, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसमें. अच्छा, ये पलक वलक के फंक्शन भी हैं इसके अंदर. ठीक है,
बस प्लग के फंक्शन है और कुछ एक आध लाइब्रेरीज हैं। तो मैं ये सारा का सारा भी जो सर्वर का जो वेबहुक वाला काम है ना, अब ये कहाँ होगा? अब ये मेरे मर्न स्टैक वाले सर्वर के अंदर होगा। ठीक हो गया। तो ये स्लैश मैसेज है और इसी के नीचे फिर ये स्लैश वेबहुक होगा। ये आ गया मेरा स्लैश वेबहुक। अब इसके अंदर जो एक आध लाइब्रेरीज हैं जो इसमें नहीं हुई हुई हैं, वो अभी कर लेते हैं हम 2 मिनट में, ठीक है। लेकिन इस वेबहुक को भी चलाने से भी पहले की बात है, इसको चलाने से भी पहले की बात है कि डायलॉग फ्लो में जाके ना मैं क्या करूँगा, वेलकम इंटेंट में जाके और इसका मैं वो बंद कर दूँगा, वेबहुक बंद कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको हाई करूँगा ना, तो ये सीधा सीधा रिस्पॉन्स डायलॉग फ्लो वाला ला के देगा, जो कि वो भी वहीं लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ है, सही है। हेलो दिस इज पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग चैट बॉट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ताकि वो थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स आ जाए। तो ये मेरी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है, अब ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो चुकी है? डायलॉग फ्लो से कनेक्ट हो चुकी है। अब डायलॉग फ्लो क्योंकि पीछे एक वेबहुक से तलाश करता है, बात करता है, तो उसको भी ज़रा मामलात सेट कर लेते हैं। पहले तो वो एक अलग सर्वर था ना, तो अब हमारे मर्न स्टैक के ही सर्वर में वेबहुक भी बना करेगा। तो आ जाते हैं अब ये जो वेबहुक के जो ऊपर मूवमेंट वूमेंट क्या किया मैंने किया हुआ था ना, वो सब उठा के ले आते हैं। ये मूवमेंट है इसके अंदर, और मोंगोस में कुछ मैंने वो बनाया हुआ था, मोंगोस में कुछ मैंने चीज़ें बनाई हुई थी, ठीक है। टाइम जोन इंस्टॉल कर लेते हैं हम, ये वो चीज़ें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ जो टाइम जोन, ठीक है। और मैंने क्या इसमें किया हुआ है? मॉर्गन तो चलो इधर ही चल रहा है, मॉर्गन की खैर है, चलो मॉर्गन को भी कर ही लेते हैं। एन पी एम आई मूवमेंट, अरे ये होगा हाँ, सूडो मॉर्गन मूवमेंट। ये सारी लाइब्रेरीज मैंने उसको दे दी, ये तो मैं वेब में कर रहा हूँ, वेब में थोड़ी करना था, ये तो इधर करना है ना सर्वर में। ये तो मैंने करना है सर्वर में यार, cd डॉट डॉट, ये मैंने मिक्स कर दिया दोनों, ये मैं मर्न स्टैक के सर्वर में कर रहा हूँ। मैंने गलती से वो वेब में भी कर दिया, यानी फ्रंट एंड जो था ना मेरा उसमें भी कर दिया, उसमें ज़रूरत नहीं थी करने की। चल भाई क्या हुआ, रुका हुआ खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा कुछ एक दो मैंने यहाँ पे स्कीमा बनाए हुए थे, ऑर्डर स्कीमा, जाहिर है अब ये क्योंकि जब सब चीज़ें मूव हो रही हैं तो ये ऑर्डर स्कीमा भी अब उधर जाएगा अब साथ साथ हमारे। तो मैंने मर्न स्टैक वाला जो मेरा सर्वर था ये मैंने उधर ही लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेट ऑर्डर स्कीमा और ये दिस दिस दिस, तो ये जहाँ पे मेरा ये स्लैश मैसेजेस है वहीं पे वेबहुक भी है और वहीं पे अभी ये स्कीमा वगैरह सब कुछ वहीं है, ठीक है। जो जो लाइब्रेरीज चाहिए थी वो सब लाइब्रेरीज मैंने इसको दे दी हैं लाके। अच्छा अब जहाँ पे जाहिर है ये साइक्लिक पे पोस्ट हुआ हुआ होगा, होस्ट हुआ हुआ होगा, तो साइक्लिक का वही URL स्लैश मैसेज, साइक्लिक का वही URL स्लैश वेबहुक। और फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा इसको, npm run dev, अब क्या हुआ, मॉर्गन इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा मॉर्गन ऊपर वो इंपोर्ट नहीं हुआ था। सही है, मॉर्गन ऊपर वो नहीं हुआ हुआ था। अच्छा ये मेरा सर्वर चल गया, साथ में मुझे अब एक एनजी रॉक भी चलाना पड़ेगा, इस सर्वर का एनजी रॉक 5001 पे चल रहा है। एनजी रॉक आ गया मेरे पास 5001 का, सही है जी,
सही है, 5001 एन जी रॉक आ गया मेरे पास। अब इसको फुलफिलमेंट में जाके अब ये वाला यू आर एल ज़रा मैं लगा देता हूँ, क्योंकि एन जी रॉक आपको पता है हर दफ़ा वो चेंज हो जाता है, तो स्लैश वेबहुक हो गया ये सेव। ठीक है जी, सेव हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेलकम इंटेंट का जाके मैं वेबहुक खोल सकता हूँ, क्योंकि वेबहुक मेरे पास क्या हो चुका है, प्रॉपर सेटमेंट हो चुका है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास क्या है, एक अदर सर्वर चल रहा है, साथ में उसी सर्वर का एन जी रॉक चल रहा है। ठीक है, एक तरफ अब ये चलेगा मेरा फ्रंट एंड, सी डी वेब एन पी एम स्टार्ट, ये तीन चीज़ें चल रही हैं मेरे पास। इसको अब बहुत गौर से समझेंगे तो समझ आएगा, वरना सब गोल मट्ठा ना हो जाए। हो चुका है ना, बस ये अब ये बाद में वीडियो को देख के ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अब इसको मैं बोलूँगा ना हाय। अब यार अभी तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें भी इंटीग्रेशन के हवाले से रहती हैं, मैंने कहा हाय ऑर्डर पिज़्ज़ा, सही है ये कनेक्ट हो चुका है अब रिएक्ट की ऐप से आपके, प्लीज़ टेल मी योर नेम ऑफ ऑर्डर, मैंने कहा माई नेम इज़ मलिक, सही है ओके मलिक, हाउ वुड यू लाइक टू हैव योर, मैंने कहा फोर, चार पिज़्ज़ा चाहिए मुझे, ठीक है साइज लार्ज, ठीक है व्हाट फ्लेवर वी हैव, टिक्का टिक्का फ्लेवर मंगाते हैं, सही है, माय अपोलॉजीज फेल्ड टू प्लेस ऑर्डर, क्या हुआ है यहाँ पे, तिक्का सही तो बोला मैंने, तिक्का नहीं, ये न्यू ऑर्डर एडिट आ गया है यहाँ पे सर्वर पे, ये डेटाबेस में एडिट कर दिया इसने न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर तो एडिट हो गया है, न्यू ऑर्डर एडिट के बाद जो है ना इसको समझ नहीं आया कि फिर आगे क्या था सीन, सेशन प्रोजेक्ट दिस 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 डिटेक्ट इंटेंट रिस्पॉन्स माई अपोलॉजीज आई एम फेल्ड टू प्लेस योर ऑर्डर। अब ये मेरे ना वेबहुक में कहीं ना कहीं कोई पंगा हुआ है, ये वेबहुक में ना जो मैं जहाँ पे ये न्यू ऑर्डर करता हूँ मैं, ये यहाँ पे ना ओके गॉट इट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सेशन नहीं है ना, नहीं है तो सही है, क्यों नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का आस्क भी है, सही है, न्यू ऑर्डर एडिट यहाँ तक तो चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है और वो ब्रेक होके नीचे चला जा रहा है, और ब्रेक होके वो कहाँ चला जा रहा है, माई अपोलॉजीज पे चला जा रहा है ना, वो ये कैच में आ जा रहा है, डायलॉग फ्लो में, डायलॉग फ्लो में जो माई अपोलॉजीज लिखा हुआ है, न्यू ऑर्डर, हाँ माई अपोलॉजीज यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर्वर फेल हो गया, डायलॉग जो जब वेबहुक आपका फेल हो जाता है तो जब ही यहाँ पे से ऐसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं, इस बार बोला मैंने उसको नहीं, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। वेल तो इंटीग्रेशन की हद तक जो बात थी ना वो हमारी यहाँ पे अब कंप्लीट हो गई है, अब वो इंटीग्रेट होने के बाद सर्टन थोड़ा बिहेव कर रहा है सर्टन वे में, तो वो ये क्यों बिहेव कर रहा है वो आई एम नॉट श्योर कि वो अभी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम आधा घंटा ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं अपने टाइम से, तो यहीं तक रखते हैं इसको हम आज की क्लास को। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ये वाला काम ना आप सब लोग घर जाके कर लें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सिर्फ ये वेब एप्लीकेशन से या सिर्फ एक रिएक्ट की ऐप से नहीं है, इंटीग्रेशन किसी भी जगह से आप जहाँ पे नॉट जेएस चलती है ना वहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो आप चैटबॉट की टेस्टिंग डायरेक्ट वहाँ पे कर रहे होते थे ना वो अपने इसके ज़रिए उसको करना है। अच्छा, इसके ज़रिए जब आप हिट कर रहे होते हैं तो इसको आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। देखो जैसे मैंने कहा है ना कि डायलॉग फ्लो डिटेक्ट इंटेंट, तो ये क्वेरी इनपुट के साथ साथ यहाँ पे मैं मज़ीद डेटा भी दे सकता हूँ,
कि बंदे का ईमेल क्या, बंदे का ये क्या, तो वो थ्रू आउट द वेबहुक तक वो मुझे मिल रहा होता है, ठीक है। तो पूरी ऑथेंटिकेशन वगैरह का जो काफ़ी अरसे से मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि अच्छा यार, जब बंदा वेब से मैसेज करेगा तो ईमेल भी होगा उसका, वेब से मैसेज करेगा तो वो लॉगिन भी होगा, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो ये कोशिश करना है कि भाई इतना काम ना जितना आज हमने किया है, इतना काम आप सब लोग खुद से कर लो, ठीक है। ये मैं कोड पुश कर रहा हूँ और होपफुली ये हमारी आखिरी क्लास है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलें जी।